हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत गुड इवनिंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? एक बार वीडियो बच्चों लाइक कर देना, जल्दी से पता लग जाएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। और जल्दी से अपने मैसेज भेजना, मेरे पास मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। अमन, दिपेश, सभ्या, गुड इवनिंग। सौरभ, करीना, राहुल, आदित्य, सृष्टि, गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो बहुत बहुत गुड इवनिंग है सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। क्या हाल चाल है बच्चों, और कैसे हो आप, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार। स्टडी लाइफ, धराना, पुष्पा, अनुग्रह, राहुल, कॉमर्स क्लास 12, नमोश। तो बहुत बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल है बच्चों, और डर का माहौल कैसा चल रहा है? डर कहाँ तक पहुंच चुका है? क्लास 12th वाले चीते, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, प्रणाम। सुमित, देवेश, बहुत बहुत गुड इवनिंग है जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो थैंक यू सभी बच्चों का स्वागत है सबसे पहले तो आज के हमारे नए लाइव सेशन में। नमस्कार, 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 बहुत बहुत नमस्कार सभी को। तो मैं आपको बच्चों सुन पा रहा हूँ, मतलब मैसेजेस के थ्रू, और आप मुझे देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी लाइव स्ट्रीम बढ़िया चल रही है, सब बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ जी, गुड इवनिंग। तो आइए जी, आइए, आइए जी, आइए, आइए जी, आइए। बहुत डर लग रहा है, क्विक मेक कह रहे हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बच्चों जी, आपके बहुत बहुत मैसेज आ रहे हैं, और शुरू करते हैं आपके साथ चर्चा आज की। तो पहले तो बच्चों, सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी 12th की डेट शीट अब किसी भी क्षण आ सकती है ना? और अब तो ये तो खैर क्लियर हो ही चुका कि आपके प्रैक्टिकल्स 1 जनवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो ही जाएंगे स्कूल में। तो एक बार ये बताओ कि कितने बच्चों के प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं? आप में से एक बार जल्दी से चैट में भेजना कि कितने बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं अभी, क्योंकि दिसंबर मिड में हम हैं और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड वैसे चल रहे होते हैं। तो आप में से कितने बच्चों के अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आकाश, बढ़िया, ठीक है। सृष्टि के हैं फ्राइडे से, ओके सृष्टि। सर, अकाउंट्स पेपर में सिली मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। देखो, अकाउंट्स पेपर में सिली मिस्टेक अभी हो रही है, तो ये इसीलिए हो रही है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे बोर्ड्स तक इम्प्रूव हो जाएगी। बस उसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी मिस्टेक आप कर रहे हैं उन्हें नोट डाउन कर लें ताकि पता रहे कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे कह रहे हैं सर मेरा चल रहा है, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों के चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, जनवरी में है, रोहन कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, जनवरी में भी होंगे। तो बच्चों देखो, मोटा मोटा ये समझो, आप दिसंबर प्री बोर्ड देने, जनवरी में भी स्कूल में प्री बोर्ड 2 और प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, और फरवरी को तो आप काउंट ही मत करो अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए, क्योंकि फरवरी में तो या तो छोटे मोटे पेपर शुरू हो जाएंगे आपके, या फिर थोड़े दिन स्कूल जाना, फॉर्मेलिटी, और वो तो बेसिक प्रिपरेशन में निकल जाएगा। फिर मार्च में तो मेन एग्जाम्स हैं ही हैं। ठीक है, सावन के हैं 15 से, अनमोल के हैं 19 से, ठीक है। तो मोटा मोटा शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सम्यक के जनवरी में है, ओके सम्यक। चलो आओ चर्चा करें, जरा दो चार चीजें बता देता हूँ बच्चों आपको। देखो अब जो टाइम कम बचा है ना, अब उस कम टाइम में अपनी अप्रोच को सही रखना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को इकट्ठा करने के पीछे तो भागो, पर कोई भी चीज़ ढंग से ना हो पाए। जो आमतौर पे इस समय बच्चे गलती करते हैं वो यही होती है, फिर बाद में उसका आपको क्या है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है ना? तो हमको, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी चीज़ को पकड़ें,
उसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अभी भी टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और अब कल ही एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, फिर जनवरी में भी चलेंगे, लेकिन प्लानिंग इस तरह से कर सकते हो आप अभी भी कि उसको सिस्टमेटिक मैनर में कोर्स ख़त्म भी हो जाए और अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है कि बोर्ड्स की अच्छी तैयारी हो जाए, है ना। तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हाँ अर्चना, बिल्कुल रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल करेंगे बच्चों। देखो अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का मैं तैयारी तो आपको करवाऊंगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, भाई कोई नया बच्चा जुड़ा हो अभी हमारे साथ, तो देखो हमारे पूरे के पूरे अकाउंट्स के, देखो पहला हमारा उद्देश्य होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। तो अकाउंट्स का पूरा हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट में सारी डिटेल्ड वीडियो के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैक्रो और इंडियन इको दोनों के दोनों हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये तो हो गया कि एक हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं ज़रूरी। भाई आपको रिवीजन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, या जो चीज़ें आपको ज़्यादा मुश्किल लगती हैं उन्हें और ज़्यादा बार देखना है। फिर आपको हो सकता है टेस्ट्स देने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे ट्यूशन जाते हैं या कोचिंग जाते हैं या कौन सी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पर हमने अपने यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें हर हफ्ते दो टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, है ना। तो अब या तो आप भी अगर टेस्ट सीरीज कहीं से दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए अब अभी से आप थोड़े से सैम्पल पेपर्स, पूरे पूरे वाले नहीं, वन वन आवर वाले, वन वन आवर वाले कुछ पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, या कहीं से आपको अगर मॉक पेपर्स मिल जाएं तो थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस को अब शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है। यानी कि अब मिक्स क्वेश्चंस करने का सही समय है, ये मैं समझाना चाहता हूँ, तो 2 मिनट और लूंगा आपके। देखो बच्चों, जब हम शुरू में कोर्स को ख़त्म करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम एक तरह से अपनी चीज़ें इस बाल्टी में डाल रहे हैं कि चलो एक चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ऐसे करते करते हमने पूरा कोर्स ख़त्म कर लिया। लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है वो ऐसे हेडिंग के साथ तो आएगा नहीं कि भाई चैप्टर वन का ये क्वेश्चन, चैप्टर फाइव का ये क्वेश्चन। हमको अब ये सारे मिक्सचर को मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी हमें खिचड़ी पकानी है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल मिक्स, हर चैप्टर में से कोई ना कोई, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, इस खिचड़ी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अब टेस्ट पेपर्स पर फोकस करना चाहिए। ये बिल्कुल सही टाइम है टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन एक नंबर का किसी चैप्टर का, फिर किसी चैप्टर का, फिर किसी चैप्टर का, फिर किसी चैप्टर का, तब आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को अप्लाई करते हो कि यार ये कौन से कॉन्सेप्ट से आया है ना, तब वो असली टेस्ट होता है। तो बोर्ड्स में तैयारी उसी तरह पर करने के लिए, मतलब अच्छी तरह करने के लिए इसी पैटर्न को फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम भी करेंगे, डोंट वरी, लेकिन देखो भाई हम कितने कर लेंगे, है ना। हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, आपकी भी समय की लिमिटेशन है। अब मैं 24 घंटे तो करवा नहीं सकता, तो आपको जितना टाइम मिले मैक्सिमम आप प्रैक्टिस जरूर करो पेपर्स की, मिक्स क्वेश्चंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, और अब जिसके जो भी, मैं रैंडमली कोशिश करता हूँ डाउट्स जिसके लेने की, और उसी से आपको कुछ और बातें बताता रहूँगा इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अकाउंट्स के, उसकी भी लिस्ट पहले शेयर करी थी जब सैम्पल पेपर बताया था, है ना। मैं उन बच्चों से 2 मिनट बात कर लेता हूँ जो बच्चे कहते हैं कि सर हम अभी शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। देखो आपका फंडामेंटल्स चैप्टर जो है पार्टनरशिप का, लगभग 11 नंबर के आसपास की वेटेज रखता है ना। एडमिशन 8 नंबर के आसपास की वेटेज रखता है। रिटायरमेंट या डेथ मिला लोगे तो भी 10 नंबर के आसपास की वेटेज रखते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स 14 नंबर के आसपास की वेटेज रखता है। डिवेंचर्स 10 नंबर की वेटेज रखता है। ये सैम्पल पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए। कैश फ्लो 8 नंबर की वेटेज रखता है। आप इन चैप्टरों को पहले करो, ठीक है ना। तो जिसमें मैंने सैम्पल पेपर डिकोड कर रखा है वो वीडियो मैं आपके साथ चाहे दोबारा शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने वो पीडीएफ भी शेयर कर रखी है ये वाली, कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर की वेटेज आएगी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इस समय अगर इसी चीज़ों में उलझे हुए हो कि यार मैं क्या पढ़ूँ, तो पहले बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज़रूर करो जिनकी वेटेज ज़्यादा हो, और अच्छे से उन पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो, है ना। सेम इकोनॉमिक्स में भी। चलो, तो अब कुछ
डाउट्स ले लेते हैं जो बच्चे कह रहे हैं। तो और भी कुछ क्वेरीज थी, बहुत सारी क्वेरीज आई थी बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर, आपने बहुत सारा कमेंट करे थे। तो देखो सब उसमें से कुछ चीज़ें एक दो मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे या सोच रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप पूरे पूरे या तो आप सॉल्व करवाओ या हम सॉल्व करें। तो देखो बच्चों हर साल सीबीएसई के पैटर्न में कुछ चेंज आता है, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चंस बने हुए थे उन जमाने के हिसाब से, उस टाइम के पेपर के हिसाब से, आपके लिए वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट आपके क्लास 12 सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एक पता नहीं पहले से पता नहीं क्या एक चला आता है बच्चे के दिमाग में कि भाई मुझे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, नहीं आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। भाई प्रीवियस ईयर में तो रीजन असर्शन के क्वेश्चन ही नहीं थे, केस बेस्ड के क्वेश्चन ही नहीं थे अकाउंटेंसी में, आप लगे हुए वो प्रीवियस ईयर करने में। आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, तो लेटेस्ट सैंपल पेपर्स वगैरह या फिर लेटेस्ट जो स्कूल के पेपर्स होते हैं उन्हें सॉल्व करो, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, ध्यान रखना इस बात का। बाकी कई बच्चे कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक को लेकर भी मतलब परेशान होते हैं, तो देखो कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक सिर्फ एक ही चीज़ से आपकी दूर होगी, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे लिख लिख कर, देखना नहीं है रिटन प्रैक्टिस करनी है, तो उससे डेफिनेटली आपको देखना फायदा मिलेगा। और एक दो चीज़ें और मैंने बताई थी अकाउंटेंसी एग्जाम की वीडियो बनाई थी ना कि किन बातों का ध्यान रखना है, उन टिप्स को फॉलो करना, आपको देखो हेल्प मिलेगी। बिजनेस स्टडीज के लिए उपविंदर भाई पूछ रहे हैं, तो देखो बिजनेस स्टडीज में आप मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी से याद करो, हेडिंग है ना, अंदर की कहानी आपको जिससे समझ आए जिस भी बुक से अपनी लैंग्वेज से वो लिख सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक केस स्टडीज होते हैं वो थोड़ा गो थ्रू करके चलो, मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी से कवर करते रहो, है ना। हाँ अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल बिल्कुल सफिशिएंट है, एक बच्चा पूछ रहा है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और राम भाई सीए फाउंडेशन की रिविजनरी क्लासेस तो हमारी दूसरे चैनल पर चली, पूरा खत्म हो गया जिसमें सारा रिवीजन, कल से तो एग्जाम है सीए फाउंडेशन के। एक दिन में पूरा सिलेबस करने के लिए तो बस अभी आज सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी देखो, अभी जिसका एग्जाम एकदम कल है, एक दिन पहले अगर आपको अकाउंट्स का या किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है तो ज्यादा क्वेश्चन लिख कर करने की अब जरूरत नहीं है एक दिन पहले, तो एक दिन पहले तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखते रहो, गो थ्रू करते रहो, वो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को। सेम इंडियन इकोनॉमी में भी ऋषभ, इंडियन इकोनॉमी में जो आपके मेन हेडिंग्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना जरूरी है। देखो इंडियन इको के लिए मैं बता देता हूँ, हालांकि उसकी प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा तो आप निश्चिंत रहो, इंडियन इको में क्वेश्चंस की वैरायटी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपोजर, एक ही चीज को वो अलग अलग तरह से घुमा के पूछ लेता है ना, तो आप उसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस देखते रहो कहीं से भी जहां से मटेरियल मिले, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाएगी। हाँ रिवीजन मैं करवा दूंगा, देखो भाई कई बच्चे परेशान हो रहे थे रिवीजन को लेकर, देखो मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम किस तरह से चलेंगे। तो देखो अभी दिसंबर है, ठीक है, बीच में मैं अभी सोच रहा हूँ अगले हफ्ते, अच्छा ये बताओ अगले हफ्ते कुछ लाइव स्ट्रीम सेशंस रख लूँ यहीं इंस्टीट्यूट से, ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों का भी मुकाबला करवाता रहूँगा साथ साथ, तो बताओ कुछ क्लासेस लाइव स्ट्रीम रख लेता हूँ यहीं से, ठीक है, अपना रिवीजन कर लेंगे उसमें हम। उसके बाद जो हमारा दिसंबर का, देखो मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मैं आपको करवाऊंगा फुल डिटेल, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा जो सीबीएसई के दोनों सैम्पल पेपर्स हैं अकाउंट्स के और ईको के, ठीक है ना, वो हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंप्लीट अपनी वीडियोस में कवर कर लेंगे, सॉल्यूशन फुली सॉल्व्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन सारे ऑप्शन के साथ। तो वो मोटा मोटा हमारा मान के चलो 23 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में खत्म होगा, क्योंकि बहुत बड़े पेपर है, ईच एंड एवरी डिटेल करनी है, तो दो दो पार्ट्स में वीडियोस आएंगी, ठीक है ना, तो वो हम तब कर लेंगे। तो दिसंबर के एंड में हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर खत्म, ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं बच्चे तैयार हैं, चलो रख लेंगे फिर, तो लाइव स्ट्रीम रख लेंगे बच्चों इंस्टीट्यूट से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बच्चों को यहाँ से लाइव स्ट्रीम मुकाबला करवा देंगे, ऑफलाइन वाले चीते भी आते हैं तो ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले चीतों को इकट्ठे लाइव करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ
रिवीजन करवा दूंगा मैं, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करवा दूंगा। हालांकि देखो, आपको रिवीजन अगर करना भी है ना, तो मैंने अपनी वन शॉट वाली वीडियोस भी अलग लिख कर ली अब एक प्लेलिस्ट में, तो आपको चाहे तो खाली अगर मान लो एक ही वीडियो देखनी है जल्दी रिवीजन करने के लिए, तो वो देख सकते हो। वो लेकिन लास्ट डे के लिए है, वो अभी से देखने का फायदा नहीं है, वो लास्ट डे है कि प्री बोर्ड से एक दिन पहले। अभी तो आप जो फुल वीडियोस हैं उन्हीं को देखो अच्छे से, उसमें से सॉर्ट कर लो कि भाई मेरे को ये वाली आती है, ये नहीं आती। इसमें मुश्किल क्वेश्चन है, देखो मेरी वीडियोस में एक खासियत है, मैं बता देता हूँ भाई, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए, कि भाई ऐसे नहीं मैंने वीडियो नंबर बना रखे कि रैंडमली चल रहे हैं कि भैया 1 2 4 खत्म हो गया। बिल्कुल टेम्पो उसी अनुसार चलेगा कि भैया स्टार्टिंग में इजी, फिर उसके बाद मॉडरेट, और फिर ऑब्वियसली लास्ट की वीडियोस हैं तो सबसे मुश्किल और सबसे बड़े क्वेश्चन होंगे चैप्टर के। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर में मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, तो आप शुरू के 1 2 वाली वीडियो मत देखो उस चैप्टर की। लेकिन जो वीडियो में 3 है या 4 है, मैंने उसमें थंबनेल में भी लिख रखा है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मुश्किल क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन या 6 नंबर, वो वाली वीडियो जरूर देखो, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे भी या समझ भी आएंगे। वन शॉट वीडियो तो बस एक तरह से बिल्कुल ही एग्जाम से एक दिन पहले देखने के लिए है, रिवीजन के लिए नहीं है वो। वो तो इसलिए होता है भाई, कमेंट्री सुनी, टीचर ने बोला, मैंने सुन लिया, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, है ना। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियोस आप मेन वाली जरूर फॉलो करना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी कुछ बेसिक रिवीजन मैं करवा दूंगा, चलो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैं इस हफ्ते कोशिश करूंगा कि कुछ लाइव स्ट्रीम सेशंस में इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा दूंगा, वो अब आप बेफिक्र रहो। यानी कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में पूरे सिलेबस में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं कवर करवा दूंगा सारे कुल मिलाकर, और सैम्पल पेपर हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब दिसंबर तक ये समझ लो, दिसंबर एंड होने तक आपका भी टारगेट हो गया, आपका ही मेन टारगेट है भाई। मेरा तो काम मोटा मोटा वही है जो करना है, कि प्री बोर्ड तो चल ही रहे हैं, लेकिन आप सिलेबस कोशिश करो खत्म करने की। देखो ये आपको ध्यान रखना है, सिलेबस कोशिश करो खत्म करना ही है दिसंबर तक। सैंपल पेपर दोनों मैं सॉल्व करवा दूंगा, वो मुझ पर छोड़ दो, ठीक है, ओके। जब वीडियो आएगी तब साथ में बैठ के सॉल्व करना, क्योंकि हम क्लास में साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे पूरा पेपर, ठीक है, वो छोड़ दो। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिविजनरी लाइव वीडियोज में सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, वो छोड़ दो। अब 1 जनवरी से, यानी कि नए साल से भाई साहब, न्यू ईयर रिजोल्यूशन आज लेकर चलो मेरे साथ, सब बच्चे प्रॉमिस कर देना कि नए साल से बस फिर हमारे पास जितना भी टाइम बचेगा भाई, 1 महीना 1.5 महीना, जितना भी 15 फरवरी तक, जब तक भी, अब देखते हैं क्या डेट शीट रहेगी जो भी है, तो मैं आपको सैंपल पेपर करवाया करूंगा साथ साथ, मतलब कायदे से। कायदे का मतलब है कि भाई यहां पर तो हम कायदे से करवाते हैं बच्चों को कि भैया लाइन वाइन बना के प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से करो, पूरा डंडा रहता है। बाकी अब आप तो स्क्रीन के पीछे अपने मन के राजा हो, तो पता चला आप बनाओ ना बनाओ तो उस चीज को मॉनिटर कर नहीं सकते, तो इसीलिए उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करना कायदे से है मेरी तरफ से। तो फिर मैं आपको सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर करवाता रहूंगा करवाता रहूंगा, मतलब जितने हो सकेंगे भाई, जितने मैक्सिमम हो जाएंगे उतने हम कर लेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करेंगे, अकाउंट सीखो अकाउंट सीखो अकाउंट सीखो, ये चलता रहेगा। चलो तो मुझे एक बार ये बता दो कि क्या आप बच्चे तैयार हो, बताओ। पहले आप भी अपना प्रॉमिस करो कि आप बच्चे बिल्कुल तैयार हो इस तरह के प्लान के साथ, मतलब बढ़िया है ये तरकीब, कैसी लगी? तो हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि एग्जाम में देखो थोड़ा बहुत है, अरे इसी बीच 4 लाख रुपए का एक सुपर चैट मिस हो गया, किसी बच्चे ने करा था भाई, अरे कौन था, सॉरी सॉरी, अरे 4 लाख रुपए का अंकित अग्रवाल भाई की तरफ से 4 लाख रुपए का सुपर चैट आया है। थैंक यू अंकित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे सुपर चैट के लिए। ठीक है, तो रेडी हैं, चलो ठीक है। अच्छा, जो बच्चे सीयूईटी के लिए कह रहे हैं, तो देखो सीयूईटी आप जो है अभी बीच में कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। जो बच्चों के देखो अलग अलग अपने कॉलेजेस ओरिएंटेड अगर तैयारी चल रही है, तो आप अपनी जनरल टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो थोड़ा थोड़ा करते रहो, मिड ऑफ जैन के बाद तो वो भी खत्म कर देना, बिल्कुल रोक देना, फिर तो बोर्ड्स पर ही फोकस करना है ना। और जिन्हें अभी पता ही नहीं है, जो अपना हवा में है कि क्या जनरल टेस्ट क्या डोमेन और ये वो,
तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अब आप तो बोर्ड्स के बाद ही करना, जो समय बचेगा आप ट्वेल्थ का अच्छे से पढ़ लो, तो 70-80% तैयारी आपकी वो ही है, बस वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरे सैंपल पेपर, एक बच्चा पूछ रहा है, देखो भाई मेरी सैंपल पेपर जो होती है वो होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना, क्योंकि एपीसी बुक्स की सैंपल पेपर्स आती हैं जिनके लिए मैं ऑथर हूँ, तो उसमें इकोनॉमिक्स की मेरी बुक है, लिंक भी मैंने दे रखा है। डीके गोयल सर की आएगी अकाउंटेंसी की, जिससे हम फॉलो करेंगे, बहुत ही बढ़िया किताब है, तो उसी से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना, सैंपल पेपर बुक। इसी तरह से बिजनेस स्टडीज की भी। और निखिल जी, 11th का कोर्स हमारा कंप्लीट होगा 15 जनवरी तक, ठीक है मुकुल, उस पर वीडियो बना दूंगा। स्क्यूनेस चैप्टर हमारे पे में नहीं है दिव्या जी, ठीक है। ठीक है, ये अच्छा आइडिया दिया अभिषेक। बस मेन चीज क्या होती है, रिकॉर्डिंग में वो टाइम कट हो जाता है, लेकिन अभी लाइव स्ट्रीम पे जब करेंगे ना, तो बाकी बच्चों भी सुन लो। देखो भाई, यहां पर हम जब बैठ के इंस्टीट्यूट में बच्चों को पेपर करवाते हैं सॉल्व, तो कैसे करवाते हैं भाई, बताओ, आप बताओ भाई। इनको पूरा समय दिया जाता है, लाइनें भी खींचो, डांट भी लगेगी, लिखना भी है, सॉल्व भी करना है। तो या तो आप भी अब लाइव स्ट्रीम में जब करो मेरे साथ पढ़ाई, तो बिल्कुल घर में तरीके कायदे से करो, स्केल पेन रजिस्टर लेकर बैठो, ताकि आपका भी टाइम का इवेल्युएशन हो। तो जब मैं टाइम दूंगा कि भाई 5 मिनट है, तो आपको लाइनें खींच के उसी तरह प्रैक्टिस करनी है, तो बिल्कुल रियल टाइम चलेगा, कोई एडिटिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई कट नहीं, जो यहाँ है वो ही वहाँ है। आप भी पढ़ो मजे से घर बैठ के उसी फील के साथ, और टाइम की मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, है ना। प्री बोर्ड के लिए मैंने, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या करें प्री बोर्ड के लिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेयर करा था कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, तो अब तो बस आप ये है कि प्री बोर्ड को सीरियसली लो, और कोशिश ये करो कि सारी चीज़ें अच्छे से करके जाओ, उससे पहले सिलेबस हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा उनके लिए मैंने बताया था कि देखो अब आप कर सकते हो, टाइम इतना तो है, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम 10 से 12 घंटे अब डेली स्टडी टाइम लगाओ, और बड़े पेपर्स को डेली पढ़ो, जैसे अकाउंट्स या मैथ्स हो गया, इंग्लिश और इको और बीएसटी को आप रोटेशनल बेसिस पर करते रहो। हाँ, कॉलेज के साथ बिल्कुल सीए पॉसिबल है, बीस्ट प्रो गेमिंग ने पूछा है, तो कर सकते हो बिल्कुल। अच्छा, तो वीडियो को भैया लाइक नहीं करा है कई लोगों ने, वीडियो बच्चों लाइक तो कर दो, पता तो चले, जल्दी से एक बार लाइक दबा दो। वो मैं बताऊंगा लक्ष्य, कि एग्जाम में ना कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब चीजें पता है कैसे पता चलती हैं, जब आप खुद पेपर सॉल्व करते हो पूरा पेपर। तो अभी आप रुक जाओ, देखते रहो, चिंता मत करो, अभी 24 दिसंबर से देखना, जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा ना पूरा पूरा, तो आप खुद देखना, एक एक क्वेश्चन इस बार ऐसा क्लासिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप देखना अकाउंट्स का पेपर जब सॉल्व करेंगे, तो मतलब बहुत ही बढ़िया पेपर है। उसमें गिवन ये कि आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज अच्छी होगी, तभी वो सॉल्व होगा। तो वो करने करने से आपको खुद पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं जल्दी कर सकता हूँ, कौन सा लेट कर सकता हूँ, तो एग्जाम तक वो अप्रोच बन जाएगी कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, राइट। हाँ सही है शिखा, डीके गोयल बुक से आप बिल्कुल कर सकते हो। हाँ लोकेश, टीएस ग्रेवाल बुक से भी कर सकते हो। सैंपल पेपर देखो बच्चों, वैसे तो मोटा मोटा आप किसी भी बुक से कर सकते हो, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरी तरफ से मतलब एक अच्छी बुक है, मैं उसी के लिए वाउच करूंगा, है ना, तो आप उसको फॉलो करो तो बहुत बढ़िया है। हाँ आयुष, सीएमए का जब होगा तो आपको बिल्कुल बताएंगे, डेफिनेटली। बाकी मुस्कान, आंसर राइटिंग के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बताई थी, और दोबारा से मैं बताऊंगा कि कैसे करना है ना। हाँ निखिल, ट्वेल्थ में आप कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस के लिए प्रियांशी, अब बस वही करो, जल्दी सिलेबस खत्म करना है ना, तो मैंने बताया अभी थोड़ा सा, अब तो 10-12 घंटे दो, बड़े सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ो, और छोटे सब्जेक्ट्स को थ्योरी वाले को अल्टरनेट पढ़ो, और पहले आप बड़े चैप्टर्स कंप्लीट करने पर फोकस करो, क्योंकि बड़े हो गए तो छोटे वाले बाद में अपने आप जल्दी हो जाते हैं।
ठीक है मुकुल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ शुभांगी, वो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमें आता है, बाकी बच्चों के साथ भी होता होगा। हाँ बच्चों लाइक्स आ गए आपके, बहुत बढ़िया। तो कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको, वैसे तो लगता है मेरे को आता है, लेकिन जब आप करने बैठे पूरा सॉल्व करा तो वो गलत हो जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब इट इज़ अ नेचुरल थिंग। मेरे साथ भी होता है कई बार, मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ लगता है अरे बड़ा सिंपल है, पर हम करेंगे तो हो सकता है कोई गलती हो जाए। तो इससे घबराना नहीं है, बस ये है कि आप जब वो क्वेश्चन कर रहे हो गलत हो रहा है एक बार, तो अगली बार जब करोगे तो वो गलती ना हो, बस इसको थोड़ा मॉनिटर करो। तो अपनी गलतियां या तो लिख लो अगर सेम पैटर्न की कर रहे हो, अदरवाइज इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, कोई बात नहीं, ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, या सेम क्वेश्चन को चाहे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, 3 बार प्रैक्टिस कर लो, तो ठीक हो जाएगा। बाकी हाँ, कई बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी कह रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना, तो बच्चों उसके लिए आप बेफिक्र रहो। जब मैं आपको ये सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करवाऊंगा मिक्स, देखो मेरी सैम्पल पेपर बुक जो है इकोनॉमिक्स की, वो तो माशाल्लाह आहा क्या किताब है, उसमें तो सारे क्वेश्चंस ही बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और बोर्ड्स का पेपर जो बनेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, वो आप बाद में पता ही लग जाएगा कि बिल्कुल मतलब उसी से मिलता जुलता होएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की कवरेज इतनी एग्जॉस्टिव तरीके से कर रखी है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं जो भी आपको करवाऊंगा वो बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट ही होगा, और ऐसा होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मदद करेगा, ठीक है ना? तो आप निश्चिंत रहो। ठीक है आसिफ भाई, मैथ्स अगर ऑप्शनल है तो कोई बात नहीं, 6 सब्जेक्ट में अगर नंबर कम भी लगेंगे ना तो ओवरऑल पे फर्क वैसे नहीं पड़ेगा। अब जितना हो जाए उतना पढ़ लो, बाकी चिंता मत करो। और राघव, सीए फाउंडेशन आप क्लास 12th के साथ देखो कर सकते हो, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कर रहे हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ता है अभी, और जनवरी के बाद ये है कि आप अपने 12th पर ही फोकस करोगे। पर हाँ, जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे फिर आप तुरंत एकदम से अपने मई एग्जाम्स के लिए दोबारा से लग जाओगे, बस उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। अकाउंट्स की थ्योरी, हाँ वो तो उसमें कवर कर लेंगे बिल्कुल, वो तो मैंने वैसे मेन लेक्चर में भी कवर करवाई है, देवी पूछ रहे, और वो हम अलग से भी कवर कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। थ्योरी तो आप छोड़ भी दो अभी, मैं एग्जाम में वैसे ही आपको करवा दूंगा, तब तक तो इतनी थ्योरी हो जाएगी कि आपको रट जाओगे, डोंट वरी। थैंक यू निखिल भाई, प्यार भरे संदेश के लिए। और सागर कह रहे हैं सर क्या सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं? नहीं, सारे करने की अब जरूरत नहीं है सागर, आप इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लो तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सारे मत करो आप, है ना, सारे मत करो। हाँ टेक्नो राहुल, बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा, ट्रिकी एमसीक्यू जो आएंगे ना वो टाइम ले जाते हैं, और ये इस बार के सीबीएसई सैंपल पेपर में बिल्कुल है, देखना मेरे साथ जब करवाऊंगा। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, देखो हम गलत तो कर नहीं सकते जल्दी के चक्कर में, बट हाँ ये है कि हमें कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से पता होता है ना तो उतनी जल्दी हो जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जब करी बच्चों के साथ प्रैक्टिस, तब निकल के सामने आई। तो बस आप निश्चिंत रहो, कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करो अकाउंटेंसी में, तो एमसीक्यू हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा, बशर्ते हमें उसकी सारी गहराई पता हो। हाँ के भी कर सकते हो, मैंने जो आपको डायग्राम बनवा के करवाया ना शेयर्स में, आप उसको कर सकते हो, एज ए वर्किंग नोट कर सकते हो मजे से। बच्चे तो सालों से करते आए हैं बोर्ड्स में, जिनके 100-100 नंबर आए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रियल अंडरटेकर पूछ रहा है सर रिवीजन कब से करवाओगे? तो रिवीजन का मैंने बता ही दिया, देखो मोटा मोटा प्लान कि भाई बच्चों ने कहा कि सर आप ऑफलाइन के साथ ही लाइव स्ट्रीम कर दो, कुछ दिन तो मुकाबला भी हो जाएगा और रिवीजन भी करवा देंगे हम, और दिसंबर के आखिरी वीक में पूरे सैंपल पेपर में आपको फुल्ली सॉल्व करवा दूंगा दोनों, फुल डिटेल के साथ, मतलब उससे ज़्यादा डिटेल बचेगी नहीं कुछ, मतलब पूरी चीर फाड़ कर देंगे उसमें। और फिर जनवरी से तो भाई ले भाई ले भाई ले, सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, ठीक है ना? लवकुश पूछ रहे हैं भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो लवकुश भाई टाइम मैनेजमेंट पेपर का जो है 3 घंटे का, वो तो मैं बताऊंगा, वो हालांकि मैंने बीच में बताया भी है कई बार, दोबारा बताऊंगा एक बार और कि किस तरह से छोटे छोटे स्लॉट्स बनाकर मॉनिटरिंग करनी है, वो मैं दोबारा से सिखा दूंगा टेक्निक। और अभी के लिए बस ये है प्री बोर्ड्स के टाइम पर कि अभी आप अपने पहले सिलेबस पर और एग्जाम पर फोकस करते रहो, बाकी जो मैंने बातें बताई मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा।
स्नेहा कह रही है सर मोटिवेट प्लीज फॉर एग्जाम। तो स्नेहा दीदी मोटिवेशन देखो यही है कि हम सब क्या सोचते हैं, देखो हम ये सोचते हैं अभी एज अ स्टूडेंट हमें पढ़ाई सबसे बोरिंग काम लगता है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, देखो वाकई में एज अ स्टूडेंट जो आप काम कर रहे हो ना सबसे मुश्किल काम होता है, पता है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, आप 10 लोगों को बोलो नहीं कर पाएंगे, बाकी चीज़ें फिर भी कंपैरेटिवली इजी हो सकती है। तो आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, पहली बात ये, बस उसका पर्पस ढूंढ लो कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब या तो आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छे निकल जाओ, कुछ बड़ा नाम कर लो, बड़ी सक्सेस हासिल कर लो, या तो वो हो जाए, नहीं तो अभी आपके हाथ में क्या है, सिर्फ अपने मार्क्स, अभी के लिए तो यही चीज़ है ना अगले 1-2 महीने कि भाई हम अपने मार्क्स अच्छे ले आएँ, थोड़ी सी पेरेंट्स को खुशी मिलेगी, थोड़ा सा हमको खुशी मिलेगी कि हाँ हमने करा, हमारे अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद देखो लाइफ इतनी बड़ी है, लाइफ इतनी आगे है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, है ना, इतनी क्षमता आपके अंदर है। लेकिन अभी जो चीज़ हाथ में है अगले 1-1.5 महीना हमें उसके बारे में सोचना है, बाकी लाइफ में आगे बड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, वो तो चीज़ें हैं। तो बस उस पर्पस पर फोकस करो कि अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में मैं बता दूंगा, एक बच्चे ने पूछा कि सर उसमें मेन पॉइंट क्या है, इकोनॉमी इंडियन इको में तो मेन पॉइंट आप जो मैंने नोट्स दिए हैं वो भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप कोई भी बुक के यूज कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बीबीए का कोर्स नहीं है इनसेन, लेकिन हाँ हमारे पास ग्रेजुएशन के कोर्सेज लॉन्च हो गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट लॉ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्सेशन है, वो सब आपको मिल जाएंगे। कैलकुलेशन स्पीड का मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, वो थोड़ी सी आपकी क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जब हम सैम्पल पेपर करते हैं उससे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी बच्चों को स्पीड की समस्या है डोंट वरी, वो हो जाएगा। डाउट्स के लिए जसलोव भाई आप अपने स्कूल टीचर या किसी दोस्त से भी कर सकते हो, उसके साथ स्टडी कर सकते हो, है ना, क्योंकि मेरे पास तो समय इतना नहीं रहता कि मैं कमेंट्स में पढ़ के आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी एक्सप्लेनेशन इस तरह से रखूँ, आपको पढ़ा इस तरह से दूँ कि डाउट की कोई गुंजाइश बचे ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 बार वीडियो सुन लो तो बिल्कुल वो क्लियर हो जाए, है ना। उसमें समझ के कर लो, रियल अंडरटेकर इंडियन इको में आप समझ के कर सकते हो, बिल्कुल वही करना है, वही जरूरी है, सारा रटना भी नहीं है, देखो रटा जाएगा भी नहीं, है ना, वही जरूरी है। चलो अच्छा ये बताओ, जब तक मैं पानी पी के आता हूं, ये तब तक कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अब आप ये बताओ आपके हिसाब से, मतलब आगे देखो दिसंबर तक दो बातें बताओ, चलो दिसंबर तक जो मैंने बात बताई वो आप कंप्लीट करके रखोगे, देखो सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी देखो सैंपल पेपर मैं कराऊंगा, सब मैं कराऊंगा, फिर जनवरी से मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे फरवरी एंड तक, या जब तक भी देखो डेट शीट में क्या समय मिलता है, तो तब तक हम कितने पेपर सॉल्व कर लें बताओ, मतलब डेली या हर अल्टरनेट डे जब भी मुलाकात करें तो हम अपना कितने पेपर सॉल्व कर लें, कितने क्वेश्चन कर लें बताओ, और होमवर्क दूं मैं उसमें आपको कि नहीं दूं ये बताओ। अच्छा आप भी अपनी प्रैक्टिस करा करोगे ना, ठीक है। एकांश भाई सीएफएस के थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, वैसे तो हमने वीडियोस में करे हैं, देखो बड़े क्वेश्चन भी करें तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई बहुत सारे करेंगे, ठीक है, देखो मैं तो करवाऊंगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, हम कोशिश ये करेंगे, देखो टारगेट ये है कि हर एक सब्जेक्ट के, मतलब अकाउंट्स के भी पर सब्जेक्ट कम से कम हम 5-6 पेपर्स तो मेरे साथ कर ही कर ले, और टोटैलिटी में लगभग अगर 9 या 10 भी कर लेते हैं तो बहुत हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा इनफैक्ट, है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम सारे ही कर लें, और अदरवाइज कुछ होमवर्क में कर लेंगे, तो मतलब ये हम ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत बढ़िया टाइम बन जाएगा देखो अगर आप तरीके से करो, क्योंकि एक पेपर आधा भी करा डेली तो कितनी देर लगेगी, 1.5 घंटा 2 घंटा, है ना।
2 घंटा पेपर देने में लगाओ, बाकी का दिन जो है ना उसमें आप अपनी बाकी चीजें यूज कर सकते हो कि चलो ठीक है अकाउंट्स और इको मैंने आपको करवा दिया पेपर, तो बाकी दिन में आप अपने मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश ऑल्टरनेट डे कर लिया, BST ऑल्टरनेट डे कर लिया, तो इजी हो जाएगा। इसी तरह मैनेज करना है। ना? हाँ गौरव मिल जाएगा आपको, सैम्पल पेपर बुक बच्चों शॉप पर मिल जाएगी, फिजिकल वो भी मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस अनमोल आएगा जब थोड़े से 2-3 पेपर करोगे ना मेरे साथ, फिर आप देखना जब आप खुद इवेल्युएट करोगे कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं वाकई में, और मैं 80 में से देखो इतने नंबर ला पा रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बाकी जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, लवली, तो आप प्री बोर्ड अच्छे से दो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ इको भी हो जाएगा उन्नति। इको में देखो मैक्रो तो इजी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इंडियन इको में थोड़ा सा बस लर्न करना है। और तमन्ना रेशियो के ना फॉर्मूले मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी, जब हम करेंगे ना 5-7 पेपर्स मेरे साथ जब सॉल्व करेंगे तो आप देखना अपने आप फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ रोहन कर सकते हो, ISC के बच्चे भी बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हमारी डिटेल ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप थोड़ा अपनी बुक से कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो भी 90% सेम ही रहती है। CUET का लाइव बैच लॉन्च एक बच्चा पूछ रहा है, वो ऐप पर होगा। देखो ऐप पर आपको जो हमारी RKG फैकल्टीज हैं वो पढ़ाएंगे, डेट शीट बस अब आने वाली है कशिश, डेट शीट आने वाली है आपकी। आज क्या दिन है? ट्यूसडे, मुझे तो लग रहा है कल आएगी डेट शीट आपकी। क्लास 11th के लिए राघव मैं वैसे तो अलग से बताऊंगा एक वीडियो में, क्लास 11th के लिए भी आपके लिए बस यही टिप है कि कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो क्योंकि उनका यूज़ आएगा क्लास 12th में, है ना। और बाकी कोशिश ये करो कि आप 11th में अकाउंट्स अगर सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा सीरियसली लो, इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है 12th में, लेकिन अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा उस पर फोकस करके चलना। हाँ वो हम कर लेंगे भाई, डिटर्मिनेशन की प्रैक्टिस, नेशनल इनकम की, ये सब हम कर लेंगे, और अभी बीच में मौका लगेगा तो मैं इंपॉर्टेंट रिवीजन आपको करवा भी दूंगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया जसलो भाई, 36 मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ चिराग पूजा चल रही है इधर तो, देखो बच्चों कितना बढ़िया दिन है आज, भगवान की यहाँ पूजा भी चल रही है, मंदिर है नीचे तो भगवान का आशीर्वाद है आपके सब बच्चों के साथ, तो अच्छा अच्छा होगा, बस आप अच्छा अच्छा करो। मैथ्स के लिए तो एक बच्चा पूछ रहा है भाई, मैथ्स के लिए देखो कोई मैथ्स के ट्यूटर आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मैथ्स में मुझे तो अब कुछ भी नहीं पता क्या सिलेबस है क्या नहीं है, बाकी यही कह सकता हूँ नॉर्मल वे में कि मैथ्स बड़ा सब्जेक्ट है, और मैं जब पढ़ता था आपकी एज में था तो मैथ्स को मैं डेली प्रैक्टिस करता था, डेली मतलब करते तो थे हम क्वेश्चंस कुछ ना कुछ, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का ही गेम है और उसमें आपको डेली करना है, ये दो बातें नियम है बस। हाँ, एक बच्चे ने पूछा सर एवरेज स्टूडेंट कर सकता है CA? बिल्कुल आप कर सकते हो, देखो CA करने के लिए मिनिमम इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज 12th की 50% मांगी है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये है कि वो तो आपको सोचना है कि करना है कि नहीं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी मैंने राहुल वो शेयर करी थी एक प्री बोर्ड के टाइम पर, वो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सी बातें हैं इंपॉर्टेंट, तो अगले अगले कम से कम 15 दिन तो वही फॉलो करो, उसके बाद तो मैं अपने साथ लेकर ही चलूंगा। ठीक है निर्वा, ये मैं बता दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कौन से करने, वो मैं बता दूंगा कि कौन से आप रिवीजन में कर सकते हो। और सौरभ भाई पूछ रहे हैं सर CA की एवरेज इनकम, एवरेज पैकेज सौरभ देखो होता है 8 लाख से 9 लाख रुपए पर एनम मान के चलो,
और राघव अभी आप 11th में हो ना? हाँ, तो 12th के नए बैच के देखो एडमिशन तो जनवरी में स्टार्ट होंगे एडमिशंस, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, वो तो जब होंगे तब होंगे। हाँ, ACCA कर सकते हो गुंजन, बिल्कुल कर सकते हो आप। और प्रवीण, कैश फ्लो में सारी वीडियोस देखो शुरू से तो समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में समझना इम्पोर्टेंट है, बाद में क्योंकि चीज़ों का कंपाइलेशन है, शुरू में वो छोटे 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 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, क्योंकि बाद में सब मिल जाएंगे। तो इसीलिए कैश फ्लो मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि वो शुरू के कॉन्सेप्ट पढ़ते समय शायद ध्यान नहीं देते या उसको लाइटली लेते हैं, अब बाद में जब वो मर्ज हो जाता है तब वो रटने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। कोई नहीं, एकांश क्वेश्चन सॉल्व करते करते डाउट्स अगर आ भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सॉल्व करते रहा करो क्वेश्चन के। देखो आजकल तो हर जगह हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल ही जाता है कहीं ना कहीं घूम फिर के, है ना? तो आप क्वेश्चन करो, कहीं फंस गए सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देख के 99% समझ भी आ जाता है, पता लग जाता है अच्छा ये करना था। बहुत 1% रेयर चांस होता है कि सॉल्यूशन भी देख लिया तब भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर किसी, आप पूछ सकते हो अपने टीचर से, फ्रेंड से, या ग्रुप्स पे, डाउट्स ग्रुप पे। 2 बार होता है सौरभ, 2 बार नहीं संजय, बिना मैथ्स के भी आप सीए कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि मैथ्स जरूरी है क्या सीए के लिए, तो जरूरी नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन आता है, उतना मैनेजेबल होता है, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ललित, सेंट्रल टेंडेंसी हम कर ही रहे हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आज आपसे लगा मुलाकात करके, है ना? तो और समय अब थोड़ा कम है तो बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैंने कोशिश करी जो भी आपके जितने बच्चों के डाउट्स या जो बातें थी कॉमन पॉइंट्स को टच करके एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दूं। तो आपने पिछली वीडियो में कमेंट करके जो भी दिक्कतें बताई थी तो देखो मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखो कोशिश करो अब दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म करने की, है ना? जाते जाते मेन मुद्दे की बातें समझ लेते हैं, सिलेबस ख़त्म करने की। बाकी सैम्पल पेपर्स अगर आप कर सकते हो अपने आप प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वो करो, नहीं तो मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपको कुछ टेस्ट पेपर्स, मॉक पेपर्स भी फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। बाकी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और सैम्पल पेपर मैं आपको अभी दिसंबर एंड से पहले पहले दोनों पूरे सॉल्व करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट सेशंस हम रख लेंगे। और 1 जनवरी से आपको और मुझे दोनों को पता है मतलब नए साल में हमें क्या करना है, बस फिर हम सिर्फ और सिर्फ मुलाकात करेंगे, साथ में सैम्पल पेपर करा करेंगे लाइव आप और मैं, और बस प्रैक्टिस असली वहीं से होगी, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी आगे की आगे देखेंगे क्या डेट शीट आती है, जो भी आएगी उस हिसाब से बना लेंगे स्ट्रेटेजी, ठीक है ना? चलो तो बहुत 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 धन्यवाद सभी प्यारे प्यारे बच्चों का, ठीक है ना? तो एक बार बस मुझे फाइनली आप भी थम्सअप भेज देना कि भैया आज की सारी कहानी ऑल क्लियर है, और फिर आप भी तैयार हो। और इस बार टारगेट वही है कि इस बार YouTube से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, खासकर मेरे चैनल से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़कर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चे मुझे पता भी हैं, तो इस बार वही टारगेट है कि बच्चे बिल्कुल 100 और 100 मार्क्स लेकर आएंगे। उसी टारगेट से मैं तो काम कर रहा हूँ, आप भी काम करोगे, ठीक है ना? चलो ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, मेरे पास आ गए हैं आपके मैसेजेस थम्सअप से भरे हुए, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो क्रिश, ज्वाइन कर सकते हो। चलो ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों आपसे अब बहुत जल्दी, ठीक है ना? और अब जब मुलाकात होगी और अब जब हम आगे पढ़ाई करेंगे आपके साथ, तो अब आपको पता ही है बिल्कुल अच्छे से करेंगे, मतलब कि साथ में करेंगे लाइव तरीके से, ठीक है ना? चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों। बाकी कोई बात कुछ कहनी हो करनी हो तो आप बाद में कमेंट कर देना, कोशिश करूँगा आपकी रिप्लाई करने की, और बाकी तो मिलते रहेंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है ना? चलो तो बहुत बहुत सभी बच्चों को गुड नाइट, सी यू सून, और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें मज़े से, इन्जॉय करते करते, ठीक है ना?
चलो बाय बाय, टेक केयर।